अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड लेवल 2 में छाए पीडीएम स्कूल खाबड़ा के छात्र पहला रैंक प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ ओलंपियाड व यूफियस लर्निंग की ओर से हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड लेवल 2 के परीक्षा परिणाम में पीडीएम मेमोरियल कन्वेंट स्कूल खाबड़ा कलां के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने कक्षा 5वीं से दीक्षांत पुत्र रणधीर व कक्षा 8वीं से मणिकर्णिका पुत्री जगदेव ने पहले रैंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। यह जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता गिजरोया व डायरेक्टर साधुराम जाखड़ ने बताया कि कक्षा 5वीं से दीक्षांत ने गणित विषय में 99.64% व कक्षा 8वीं से मणिकर्णिका ने गणित विषय में 99.44% अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2023 में ISFO की ओर से हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत, UAE, कुवैत, दुबई, सिंगापुर व नेपाल के लगभग 2,00,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को लेकर स्कूल में खुशी का माहौल है और यह सब बच्चों व शिक्षकों की मेहनत का ही परिणाम है। विजेताओं को स्कूल प्रांगण में प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता गिजरोया व डायरेक्टर साधुराम जाखड़ ने सम्मानित भी किया। इस दौरान यहाँ SPG ग्रुप के डायरेक्टर रण सिंह रैपसवाल, विजय सिंह भागेला व अभिभावकों का स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और विजेता विद्यार्थियों को बधाई भी दी। इस दौरान रण सिंह रैपसवाल ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कुछ तो जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बारंबार, तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। आदर व मान के सम्मान के योग्य टीचिंग स्टाफ, प्रिय विद्यार्थी, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में आपके विद्यालय के या हमारे विद्यालय के 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल करना यह छोटी बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड था जिसमें केवल भारत के बच्चे भी नहीं थे, सिंगापुर के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट थे, दुबई के बच्चे भी पार्टिसिपेट थे, 5 देशों के बच्चे पार्टिसिपेट थे। और मैं आपको यह सिद्ध कर देता है कि मैं इन 5 देशों में से टॉप हूं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ओलंपियाड जो है वो बच्चों में टैलेंट को निखारने के लिए करवाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फोरन के जो देश के बच्चे होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। कोरोना काल से पहले ओलंपियाड में इस पोजीशन के बच्चों को 5 दिन का सिंगापुर का टूर भी मिलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ये टूर तो नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार लगभग इन बच्चों की जो फर्स्ट पोजीशन है उनका 25,000 से 30,000 रुपए का इनाम इनको मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन वालों को कंपनी की ओर। और ये जो बच्चा इसी प्रकार अगर कंपटीशन फाइट करता रहा तो 10th के बाद जो बच्चे NDA के अंदर, जो NTSC एग्जाम के अंदर, डेफिनेट उन बच्चों की पोजीशन आएगी। मैं एक बार देख रहा था NDA के सिलेक्शन के अंदर बच्चों का इंटरव्यू सुना, तो मैक्सिमम बच्चों ने यह बताया कि मैंने ऑल इंडिया या इंटरनेशनल ओलंपियाड में इतनी बार पार्टिसिपेट किया और इतनी बार मेरी पोजीशन आई, मैंने हमेशा कंपटीशन फाइट करने का प्रयास किया, तब जाकर मैंने 10वीं के बाद भी NDA को क्वालिफाई कर दिया। आपने अभी भी एक बच्चे को देखा होगा कि एक बच्चा के प्लस 2 का रिजल्ट अभी आना है, उससे पहले NDA का टेस्ट क्वालिफाई कर दिया था। उस बच्चे का कारण यही था कि वो स्टार्टिंग से ही कंपटीशन फाइट करता आ रहा है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे इस स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की है, जिसके लिए ये बच्चे, टीचर और माँ बाप सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर से यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े। थैंक यू।